ये अफेक्ट कब बोलूं और इफेक्ट कब बोलूं, अब एडवाइस कब बोलूं और एडवाइस कब बोलूं, एबल कहाँ पे लगाऊं या कैपेबल कहाँ पे लगाऊं। क्या आपको भी इन सारी चीजों की कंफ्यूजन होती है? तो आज के वीडियो में आप जानेंगे डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड इफेक्ट, एबल एंड कैपेबल, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एडवाइस एंड एडवाइस। आई एम ज्योत्सना एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश इंग्लिश। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं अफेक्ट, जो कि एक वर्ब है और जिसकी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगी, अफेक्टेड, अफेक्टेड एंड ING फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगी, अफेक्टिंग। और इसका मतलब होता है आपके ऊपर किसी चीज का असर पड़ना या आपका किसी चीज से प्रभावित होना। अब बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट एक नाउन है। इफेक्ट की थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं होंगी। इफेक्ट एज अ नाउन ही यूज होता है। इसका मतलब होता है कि कोई नतीजा निकलना। सेंटेंसेस देखते हैं। रब द क्रीम इन टू द अफेक्टेड एरिया, मतलब कि क्रीम जो है जहाँ जहाँ पे आपका प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पे आपके कोई इन्फेक्शन है, वहाँ पे लगा लीजिए। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, मतलब कि आपकी राय मेरे डिसीजन पे कोई भी असर नहीं डालने वाली। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई द न्यूज ऑफ हर डेथ, मतलब मुझे उसकी डेथ की न्यूज सुन के बहुत ही गहरा सदमा लगा, या मुझे मुझ पे बहुत ज्यादा असर हुआ। इन तीनों सेंटेंसेस में अफेक्ट एज अ वर्ब यूज हुआ। अब देखते हैं इफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस। द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग सून वोर ऑफ, इसका मतलब है कि जो आप कि मेडिसिन आप ले रहे हो उसका असर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। द लॉ केम इन टू इफेक्ट टूडे, जो ये कानून है ये आज से लागू हो जाएगा। एक इफेक्ट का मतलब होता है निजी चीज़ें, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पिकअप योर इफेक्ट्स बिफोर यू लीव, मतलब कि आप अपना सामान उठा दीजिए यहाँ से जाने से पहले। तो इन सब सेंटेंसेस में आपने देखा कि इफेक्ट एज अ नाउन यूज हुआ। बात करते हैं कि आपने अफेक्ट और इफेक्ट के बीच का डिफरेंस याद कैसे रखना है। तो एक रूल है RAVEN, तो इसका मतलब है रिमेंबर अफेक्ट इज अ वर्ब एंड इफेक्ट इज अ नाउन। और इसका दूसरा वे है इसको याद रखने का कि अफेक्ट में सबसे पहले क्या आ गया, ए आ गया। ए क्या होता है, एक्शन। एक्शन से हमारा क्या आता है, वर्ब्स। एक्शन हमारे वर्ब्स को, मतलब हमारी क्रिया को दर्शाता है। ई क्या हुआ, ई हमारा एंड रिजल्ट हुआ, तो वो कोई एक्शन नहीं है, वो कोई भी विशेषता नहीं बता रहा, तो वो हम एज अ नाउन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है एडवाइस और एडवाइज। एडवाइस एक नाउन है और एडवाइस एक वर्ब है। इन दोनों में साउंड का हल्का सा ही डिफरेंस है कि जब सी ई लग जाएगा तो स की साउंड देगा और जब एस ई लग जाएगा तो वो जेड की साउंड देगा, एडवाइज। और इसी तरह से अगर एडवाइस नाउन है तो उसकी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं होंगी और एडवाइस की होंगी, एडवाइज, एडवाइज या एडवाइजिंग। इन दोनों में आपने डिफरेंस कैसे करना है कि आपने कब एडवाइस लगाना है और कब एडवाइस लगाना है। एडवाइस होती है आपको कोई गाइड कर रहा है, आपको कोई गाइडेंस मिली है, और एडवाइज होती है एक सजेशन। चलिए एडवाइस से रिलेटेड सेंटेंसेस देखते हैं। आई ट्रस्ट योर एडवाइस, मतलब मैं आपकी सलाह पे विश्वास करती हूँ। आई नेवर आस्क फॉर योर एडवाइस, मैंने आपसे कभी भी सलाह नहीं मांगी। गेट लीगल एडवाइस फ्रॉम योर लॉयर, अपने वकील से कानूनी सलाह ले लो। फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर ने जो आपको बताया है उसको फॉलो करो, उसका नियम से पालन करो। अब देखते हैं एडवाइस से रिलेटेड सेंटेंसेस। जब आप किसी से सलाह मांगते हो तो आप बोलते हो कि प्लीज़ एडवाइस, मतलब मुझे कोई सलाह दे दो। रिया एडवाइज मी टू स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन, रिया ने मुझे सलाह दी कि मुझे मेडिसिन लेनी बंद कर देनी चाहिए। प्लीज़ एडवाइज हर टू स्टॉप स्मोकिंग, उसे सलाह दीजिए या समझाइए कि वो सिगरेट पीनी बंद कर दे। आई होप इन सेंटेंसेस से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया हो। एक और चीज कि हम एडवाइस को प्लूरलाइज नहीं कर सकते। अगर आपको एडवाइस को प्लूरलाइज करना है तो आपको लगाना पड़ेगा
many pieces of advice. Breath versus breathe. दोनों में सिर्फ ई का ही डिफरेंस है, बट मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये, क्योंकि हमें नहीं पता लगता कि हमें ब्रेथ कब यूज करना है और ब्रीथ कब यूज करना है. ब्रेथ एक नाउन है जबकि ब्रीथ एक वर्ब है. इसी तरह से ब्रीथ की थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगी, ब्रेथ के केस में वो नहीं होगा. ब्रेथ है हमारी सांस और ब्रीथ का मतलब है सांस लेना. देखते हैं ब्रेथ से रिलेटेड सेंटेंसेस. टेक अ डीप ब्रेथ मतलब गहरी सांस लो, अपनी सांस को मत रोको. डोंट होल्ड योर ब्रेथ. सर्दियों में हम अपनी सांस को देख सकते हैं जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है. ऑन अ कोल्ड विंटर्स डे यू कैन सी योर ब्रेथ. तो चलिए अब देखते हैं ब्रीथ से रिलेटेड सेंटेंसेस. आई कैंट ब्रीथ मुझे सांस नहीं आ रही. I can't breathe. I have difficulty breathing. मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है. I can breathe easily now. अब मैं आराम से सांस ले पा रहा हूँ. इसी तरह से जब हम कहते हैं कि सांस अंदर लो तो हम बोलेंगे breathe in, और जब बाहर निकालो तो breathe out. हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो अपने प्रिंसिपल्स के बहुत पक्के थे. जी हाँ, हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल. तो ये प्रिंसिपल है जिसमें कि PRINCIPAL स्पेलिंग्स हैं जिसके, वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है और एज एन नाउन भी यूज होता है. जबकि जो प्रिंसिपल है वो ओनली एज एन नाउन ही हम यूज करते हैं. प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान या मुख्य. जब हम उसे एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? इट वॉज माई प्रिंसिपल रीजन फॉर मूविंग. ये मेरा मुख्य कारण था वहाँ से जाने का या चले जाने का. टीचिंग इज माई प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम. मेरा सबसे मुख्य साधन जो कमाई का है वो टीचिंग है. एज ए नाउन हम प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे. मिसेज रीना इज आर प्रिंसिपल. मिसेज रीना हमारी प्रधानाचार्य हैं. अब देखते हैं प्रिंसिपल से रिलेटेड सेंटेंसेस. प्रिंसिपल का मतलब होता है आपके कोई सिद्धांत या रूल्स. आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. मैं सिद्धांतों वाला आदमी हूँ. इट्स अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स टू चीट. यह मेरे रूल्स या सिद्धांतों के खिलाफ है कि मैं किसी को धोखा दूँ. आई डोंट ईट मीट ऑन प्रिंसिपल. मैं कुछ नियम फॉलो करता हूँ इस वजह से मैं मीट नहीं खाता. इन तीनों सेंटेंसेस में जो प्रिंसिपल है वो एज अ नाउन यूज हुआ. इट्स गुड प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस डेली मतलब कि यह बहुत ही अच्छी आदत है कि हम रोज ही किसी चीज़ का अभ्यास करें. तो जी हाँ, हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस. इसमें भी एडवाइस और एडवाइस की तरह से सेम डिफरेंस है कि जब सी ई है तो हम स की साउंड निकालेंगे, अगर एस ई है तो हम ज की साउंड निकालेंगे. जो प्रैक्टिस है वो एज अ नाउन यूज होता है और जो प्रैक्टिस है वो एज अ वर्ब यूज होता है. बट यूके में, यूएसए में प्रैक्टिस वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता. सिर्फ प्रैक्टिस वर्ड ही चलता है एज ए नाउन. प्रैक्टिस से रिलेटेड सेंटेंसेस जिसका कि मतलब होता है कि अभ्यास या अंजाम देना किसी काम को. आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन टू प्रैक्टिस मतलब कि अब जब आप किसी काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हो तो उसे हम ऐसे बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन टू प्रैक्टिस. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तुम्हें बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है. कैन आई प्रैक्टिस बिफोर प्लेइंग. क्या मैं खेलने से पहले अभ्यास कर लूं? देखते हैं प्रैक्टिस से रिलेटेड सेंटेंसेस. आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे. मैं योगा रोज करता हूं या उसका अभ्यास रोज करता हूं. कीप प्रैक्टिसिंग अभ्यास करते रहिए. तो डिफरेंस है वो है एबल वर्सेस कैपेबल. दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं. एबल भी एक एडजेक्टिव है, कैपेबल भी एक एडजेक्टिव है. बट कैपेबल एज एन एडवर्ब भी यूज होता है.
एबल की डिग्रीज होंगी एबलर एंड एबलेस्ट, और इसका मतलब होगा कुछ करने की योग्यता। सेंटेंसेस देखते हैं, ही इज एन एबल स्टूडेंट, वह एक योग्य विद्यार्थी है। विल यू बी एबल टू कम, क्या तुम आ पाओगे। शी इज बेयरली एबल टू वॉक, वो बहुत ही मुश्किल से चल पाती हैं। आर यू एबल टू ड्राइव, क्या तुम इस टाइम ड्राइव कर सकते हो। चलते हैं कैपेबल, कैपेबल की डिग्रीज होंगी मोर कैपेबल एंड मोस्ट कैपेबल। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे, ही इज अ कैपेबल स्टूडेंट, वो एक काबिल विद्यार्थी है। यू हैल द सिचुएशन वेरी कैपेबली, तुमने बहुत ही योग्यता से सिचुएशन को संभाला। अब ये कैपेबली जब यहाँ पे लग गया तो यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हो गया। ही इज कैपेबल ऑफ हार्ड वर्क, वह समर्थता रखता है कि वो हार्ड वर्क करे। इसने नोटिस किया होगा कि हम एबल के साथ हमेशा टू लगाते हैं और कैपेबल के साथ हम हमेशा ऑफ लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला है कि यू आर नॉट एबल टू डू सच थिंग्स, अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि ये चीजें कर सको। यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तुम इसको करने की योग्यता नहीं रखते। एबल जो है वो हमारी प्रेजेंट एबिलिटीज, जो कि हम कर सकते हैं उसे दर्शाता है, और जो कैपेबल है वो दर्शाता है कि हम हमारे पास पोटेंशियल है और हम उसको फ्यूचर में कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है तो, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एट, बाय बाय।